हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गेम ऑफ इनिंग की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। अब तक मैं रेसलिंग से जुड़ी हर बात को कवर करता आया हूं, बट इस वीडियो में आज कवर करूंगा WWE सुपरस्टार के रिलेशनशिप को, मीन वो किसको डेट कर रहे हैं इस टाइम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बिना कहीं मत जाइएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेसलिंग में जरूरी नहीं है कि एक सुपरस्टार जिसे डेट कर रहा है वो उनका लास्ट पार्टनर हो, चीजें बदलती हैं और इसी के चलते कुछ सुपरस्टार्स के पार्टनर भी बदलते रहते हैं। वहीं कुछ रेसलिंग में ऐसे भी एग्जांपल हैं जो अपने रिलेशन को लास्ट तक लेके गए, मीन उनसे शादी भी करी और आज अच्छी लाइफ उनके साथ गुजार रहे हैं। इस वीडियो में कवर करूंगा सुपरस्टार को कि वो इस समय किसको डेट कर रहे हैं और उनके रिलेशनशिप में क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सी रही। नंबर 7, जेवियर वुड एंड जेसिका वॉटसन। जेवियर वुड का नाम तो हर रेसलिंग फैन ने सुना ही होगा, ये स्मैकडाउन लाइव में परफॉर्म करते नजर आते हैं और WWE की बेहतरीन टैग टीम में से एक न्यू डे का हिस्सा भी हैं। ये कुछ टाइम पहले ही पता चला कि वुड्स जेसिका के साथ रिलेशन में हैं। इसका पता तब चला जब पेज का एक टेप रिलीज हुआ था और वुड्स उसका हिस्सा थे। इसके ठीक बाद ही जेसिका ने जेवियर वुड से सोशल मीडिया से उन सभी निशान को हटा दिया जो कि साबित करते थे कि जेसिका और वुड्स साथ थे। कुछ टाइम पहले ही जेसिका ने एक बच्चे को भी जन्म दिया और जेसिका इस बच्चे को जेवियर वुड्स का नाम देना नहीं चाहती हैं। इन दोनों के बीच आलम यह है कि अब दोनों एक साथ आने को तैयार नहीं हैं, बट इन्हें यह भी सोचना चाहिए कि इन दोनों के बीच एक छोटा बच्चा भी है। नंबर 6, सारा लोगन और रेमंड रोके। सारा लोगन का नाम आपने तो सुना ही होगा, ये इस टाइम स्मैकडाउन के साथ जुड़ी हुई हैं और राइट स्क्वाड का हिस्सा भी हैं। अनजान है कि सारा लोगन न्यूली स्टार रेमंड रोके के साथ रिलेशनशिप में हैं और इनके बीच सब कुछ अभी तो अच्छा ही चल रहा है। इस कपल के लिए एडवांटेज ये भी है कि दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं। सारा भी मेन रोस्टर में काफी अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा ये है कि दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी है और आने वाले टाइम में दोनों हो सकता है WWE के बड़े स्टार के रूप में हम सबको देखने को मिले। नंबर 5, ब्रे वाइट और जोजो ऑफरमैन। ब्रे वाइट WWE के एक बेहतरीन रेसलर हैं, हालांकि आजकल कुछ भी उनके लिए ठीक ठाक नहीं चल रहा है रेसलिंग में। ब्रे वाइट की शादी समंता रोटुंडा से हुई थी, दोनों के दो बच्चे भी हैं। इनके बीच सब कुछ सही चल रहा था, बट कुछ टाइम बाद समंता रोटुंडा ने डाइवोर्स के लिए एक अर्जी दी। डाइवोर्स की अर्जी के पीछे वजह था ब्रे वाइट का अफेयर WWE रिंग अनाउंसर जोजो के साथ चल रहा था और ये बात उनके सामने आ गई थी। ब्रे वाइट और जोजो ने अपने रिश्ते को कभी किसी के सामने नहीं आने दिया और ये सबके सामने आया केवल ब्रे वाइट की वाइफ की वजह से। समंता ने ब्रे वाइट और जोजो के बीच ऑनलाइन आके काफी प्रॉब्लम्स भी खड़ी करी थी, बट उम्मीद की जा रही है कि इनका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। नंबर 4, जैक राइडर एंड चेल्सी ग्रीन। जैक राइडर का नाम आप सबने सुना ही होगा, जैक राइडर और एमा एक साथ रिलेशन में थे और इसका पता सबको था, बट इन दोनों ने कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन अचानक से पिछले साल जैक राइडर ने अपनी फोटोज चेल्सी ग्रीन के साथ पोस्ट करना शुरू कर दिया। चेल्सी भी एक रेसलर रह चुकी हैं, पिछले कुछ टाइम से इन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा रहा है, बट कुछ टाइम पहले मीडिया ने जब जैक राइडर की पुरानी गर्लफ्रेंड का मामला उठाया तो जैक राइडर काफी नाराज हुए थे, बट देखा जाए तो जैक एमा के मामले से मूव ऑन कर गए हैं। नंबर 3, कैथी केली और फिन बैलर। ये दोनों नाम आपने अच्छे से सुने होंगे। फिन बैलर पहले यूनिवर्सल चैंपियन भी रह चुके हैं। कुछ टाइम पहले फिन बैलर और WWE की मीडिया रिपोर्टर कैथी केली को एक साथ घूमते हुए देखा गया था, हालांकि फिन बैलर इस पे बात करने को रेडी नहीं थे और ना वो इसे सबके सामने लाना चाहते थे। बट कुछ टाइम पहले कैथी केली ने इंस्टाग्राम पे अपने और बैलर के रिश्ते की तरफ इशारा करा है, बट दोनों में ये चीज अच्छी है कि दोनों एक साथ नहीं सामने आना चाहते हैं, मीन सीक्रेट रिलेशनशिप। नंबर 2, पेज एंड कलान ब्लेम। पेज का नाम ही काफी है रेसलिंग फैंस के लिए। आजकल पेज कलान ब्लेम के साथ एक नए रिलेशनशिप में जुड़ चुकी हैं। इसकी खुद पुष्टि पेज ने ही करी है, जैसा कि शायद काफी लोगों को पता भी हो, अभी कुछ टाइम पहले ही पेज ने अपने और एल्बर्टो दल रियो के साथ लंबे रिलेशनशिप को खत्म करा है। इन दोनों के बीच चले आ रहे रिलेशनशिप ने काफी खबरें भी बटोरी और काफी चीजों का सामना भी करा। पेज ने यह भी कहा था कि डेल रियो के साथ रिलेशनशिप खत्म करके वो अकेले रहना चाहती हैं, बट वो अब एक नए रिलेशनशिप में जुड़ चुकी हैं। नंबर 1, सेथ रॉलिंस एंड सारा एलेसेंड्रली। किंग्सलेयर सेथ रॉलिंस का डेटिंग इतिहास काफी बड़ा रहा है। सेथ रॉलिंस के नाम डेटिंग इतिहास का सबसे बड़ा धोखा जुड़ा हुआ है, जब यह पता चला कि वे अपनी मंगेतर लेगला शल्स को 2015 में NXT दिवा जहरा श्राइबर के साथ मिलकर धोखा दे रहे थे। लेगला शल्स को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सेथ रॉलिंस और जहरा की न्यूड पिक्स को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया था, जिसके बाद सेथ रॉलिंस को काफी प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बाद किंग स्लेयर ने दोनों ही वुमेन से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। बावजूद इसके अब सेथ रॉलिंस सारा के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि सेथ रॉलिंस का ये रिलेशनशिप कब तक चलता है। तो
तो फ्रेंड ये थे कुछ ऐसे डेटिंग रिलेशन जिनका कुछ पास रहा है और आज करंट में वो किसी और के साथ जुड़े हुए हैं या कुछ की अभी नई शुरुआत है रिलेशनशिप की। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो याद है ना लाइक करे बिना कहीं मत जाइएगा, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।